साद रफीक वजीर है, लेकिन जब इन्हों का इजलास होया तो अखबार लिखे से उस वे कंपेयर बने हुए से, तो इतने साढ़े सुनिए अंगूठे नहीं चुमते। अपनी जात वास्ते वजीर भी नवाज शरीफ का कंपेयर बन गया, तो सब हजूर नाल की प्यार किया मैं दसो। हाँ जी, वजीर हो के कंपेयरिंग कर रहा, दोनों खुश कर रहा निके ते वड्डे नूं कि असी जनाब वजीर जरूर हाँ, लेकिन तुहाडे दर ते असी खादिम। तुसां की कीता है कलमा पढ़ के मैनूं तुसीं समझाओ। हाँ, तो वह तो मौका आया मफाद की खातिर कंपेयर भी बन गया, तो तुसां हजूर दे अंगूठे क्यों ना चुमे। तुहाडे नाल किसे गल कीती तुसीं, उहदे नाल अखां चखां पा के नामूसे रिसालत की गल क्यों नहीं कीती। तुहाडे सामने उन्होंने उन्होंने यार ने गल कीती, तो तुसां खत्मे नबुवत उत्ते खड़ के इंज गल क्यों नहीं कीती। उन्हें चोरों का तुम्हें ख्याल से, मुहम्मद अरबी की इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। मैं पढ़ के हैरान होया कि साढ़े मौलवी मसीत चाहे हो ना हो जा नमाज टेढ़ी पई हुई, तो इमाम साहब वो नहीं सीधी करते, कहते ये भी मुअज़्ज़िन का काम है। तो खतीब मसीती पे हो ना कोई झाड़ू, तो खतीब झाड़ू मसीती नहीं देता। तो मैं आखा वेखो अपने मफाद की खातिर लोग वजीर भी कंपेयर बन जाते हैं, तो मौलवी मसीती दाखिल होने के बाद तो पीर साहब तो वैसे ही फारिग हैं। हाँ जी, पीर साहब तो इतने मुकद्दस आदमी हैं कि वह तो बार जो खत्मे नबुवत की खातिर निकलन, तो हजरत साहब फिर उत्थे जे आंसू गैस दे शैला आ जाए, क्यों जी उत्थे आंसू गैस दा हजरत साहब नू शैला आ जाए, वी किस्म दा जुब्बे पाए तो हजरत साहब दा 5 लाख मुरीद है, जे हजरत साहब जी हुजरे तो बहर आ गए तो हजरत साहब नू कोई शैला आके लग गया, तो फिर तो हजरत साहब का बचना किवे। मैनू दस होए अमीर हमजा के जिगर के टुकड़े क्यों होए। क्यों जी, हाँ तेरा पीर इतना मुकद्दस कदों का बने, हाँ मैनू दस जिहड़ा खत्मे नबुवत की खातिर भी ना निकलिया, तो नामूसे रिसालत की खातिर भी ना निकलिया, तो मस्जिद के स्पीकर उतरण से भी ना निकलिया, तो यहूदो नसारा की एजेंटी करने वाले हुक्मरानों नूं उफ भी ना कह सकिया, तो जिहड़ा जनाब यहूदो नसारा के एजेंटा नूं वोट भी हो अगर कुव्वत फिरौन की दर परदा मुरीद, तो मुरीदा नूं क्या नहीं, जिसको मर्जी आप वोट दे दे। यानी एक तरफ तारीख लब्बा कि या रसूल अल्लाह खड़ी, दूसरी तरफ खत्मे नबुवत के डाकू खड़े, मुमताज नूं फट्टे लाने वाले खड़े, और जनाब सिंध असेंबली होली मनाने वाले खड़े, तो पीर इस्लाम का मुहाफिज की कहता, कहता तो जिदा दिल करे वोट दो, मुहम्मद अरबी के दीन नूं वोट तू ना दवा सकिया, तू दस तू कि इस्लाम का मुहाफिज है मैनू भी दस, तू कि इस्लाम का पीर है तू मैनू भी दस, तू कि कौम की रहनुमाई की तू मैनू भी दस, तू कि शेख उल हदीस है तू मैनू भी दस, किसा पढ़ाइया कि तारीख लब्बा कि यार रसूल अल्लाह के नाल खड़ा होना। कौम को कहता आपका जिधर दिल करे, तो जिधर दिल तो आपको पता है जो खड़े हैं, जो हक और बातिल के दरमियान पीर तमीज भी न कर सका। हाँ जी, हक और बातिल के दरमियान अपने मुरीदों को बता भी न सका कि जिन्होंने खत्मे नबुवत पर डाके डाले, पुत्रो तुसी मेरे मुरीद हो, उन्होंने वोट नहीं देने, वोट उन्होंने देने जिन 8 लाशें चाहिए। ये सूरत हाल खौफनाक दर्दनाक बनाई जा रही है, और आप तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह के साथ खड़े हो, और बड़ी दलेरी के साथ खड़े हो। हाँ, तुसी साढ़े कंपेयर ते बनो ना यार, ओ कंपेयरी ते चंद दिन मुक जानी। हाँ जी, मैं इनू भी जानना है जिहड़ा कंपेयर बनया, ये जिथे रहा मैं उत्थे लुहारी इनू भी जानना, सारा कुछ वो तो जरूरत ही नहीं जाती आप उत्ते गल करन दी। मैं इनू भी जानना है, पूरे खानदान भी जानना, ये अपनी जात की खातिर वजारत भुल के कंपेयर बन गया, तुसी मुहम्मद अरबी के कंपेयर क्यों ना बने। हाँ, और तुसी जिथे गए तो तुसा कंपेयरिंग क्यों ना की थी? कि नहीं जी नहीं, ये डाकूअन खत्मे नबुव्वत दे, नहीं जी नहीं ये नामूसे रिसालत दे जनाब डाकूअन, ये रसूलल्लाह दे दीन दे गद्दारन, ये यहूदो नसारा दे एजेंटन, तुसा ये लफ्ज क्यों ना बोल सके। हाँ जी, तुसा चोरां दियां लोकां तर्जमानियां कीतियां, चोरां दे लोग नाल खड़े हो गए, इत्थे शेखूपुरे दा संधेला भुख हड़ताल की बैठा अपने लीडर वास्ते, तुसी रसूलल्लाह दी इज्जत वास्ते परची भी ना दे सके। वो कहता मैं उसे लीडर मनना, भुखा उत्थे लेटा पिया। हाँ जी, उदियां तस्वीरां आ रही, तुसा हजूर की इज्जत वास्ते क्या किया है? कभी जरूर गिरेबान चो पुछना कि मैं किस मुँह नाल काम कबर च हजूर नूं पहचानांगा, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी बात है कि मैं उस वेले कहांगा है मेरे नबी वन, क्यों जी, क्या क्यामत वाले दिन मेरे को मुँह है कि मेरी जबान एडी बार होएगी तो मैं फिर हजूर को जावगा कि हजूर हौज़े कौसर दा जाम मैनू भी पिला दो, क्या जो तू फसे होएगा मीजान होते तू इस गल तक तेरे अंदर कोई है कि तू हजूर की बार गावे कवे हजूर मेरे नामा अमाल कोई नहीं, आज करम फरमाओ, तू क्या इस मुंह नाल पुल सिरात ते जाके कवेगा हजूर मैं गुजरन लगा, मेरे ते भी करम फरमाओ। ये सारिया गल्ला मैं तुहाडे वास्ते ऐलान कर रहा पूरी उम्मत वास्ते, अगर ये क्यामत वाले दिन कबर च हजूर का सामना करने की कोई दम खम है तो फिर ठीक, जे नहीं तो फिर अज असी तुहानू दावत दे रहे आज ले इनकी पना, उस दिन फिर चीखण नाल कुछ नहीं होना।
उस दिन फिर चीखन नाल कोई नहीं, आला हजरत एक गल तय कर गए, फरमाया जे चांद है कबर ते हशर दी शर्मिंदगी तेनू ना होवे ते तू जलील ना होवे पूरी दुनिया के सामने, तो फिर आज ले इनकी पना और आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मांग गए।